अरे कोई तो आ जा, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई आ जा। मेरी गिल्ड से कोई भी नहीं आ रहा है। इस देखो मेरी गिल्ड पे ना ज़्यादा कोई ऑनलाइन नहीं है, अमन है एक और वो पीके स्वामी आ गई। सो गाइस ये आप देख रहे हो ओरोची मारू। तो आज मैं ना प्रैंक करने वाला हूँ दूसरे आईडी से, अपने गिल्ड में से किसी को मैंने इन्वाइट किया है पीके स्वामिया, और इसके साथ 1v1 एक प्रैंक होगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग क्या है ना कि मैंने एडम लिया हुआ है, क्योंकि इस आईडी में ना मैं लेवल 1 का हूँ और मेरे पास ना ही कोई भी गन की स्किन है, मतलब कोई भी गन की स्किन नहीं है और एडम है सिर्फ मेरे पास। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, देखते हैं उसके पास सारी गन की स्किन प्लस आलोक सब कुछ होगा तो ऐसे में मैं उसे मार पाता हूँ कि नहीं। और सिर्फ लेवल 1 है मेरा, मतलब जो मेरे लेवल है ना इस आईडी में सिर्फ 1 है। तो देखते हैं क्या होता है गाइस, बहुत ही मजा वीडियो करेंगे, फटाफट से लाइक करो। तो 1v1 प्रैंक होने वाला है मेरे गिल्ड में से किसी एक के साथ, पीके सौम्या। मैं इसके साथ खेला नहीं हूँ कभी, आई गेस खेलाऊंगा, आई गेस पता नहीं, नया नया है। ओके ये सामने आ चुका है, ओके बहुत सही। यहाँ पे ट्राई एक मारने का और फिर से निकल, ओपी वाला हेडशॉट पीके सौम्या भाई भाई, उसको अभी लग रहा है कौन है ये। ओके इससे यहाँ पर हमने कर लिया फर्स्ट राउंड, एकदम ओपी वाला वन टैप मार के एकदम विक्ट्री, बहुत ही सही वाला हेडशॉट लगा था एडम चचा से हमने जिसको हेडशॉट मारा भाई भाई, बहुत ही सही। और अभी ना मतलब ये मैच ना सिर्फ 7 राउंड्स का होगा, 7 राउंड्स में जो 4 राउंड जीतेगा उसे विक्ट्री मिली, क्योंकि 13 राउंड्स ना बहुत लंबा चला जाता है और बीच में ना एक लगता है कि एक मैच ना सिर्फ बोरिंग हो रहा है, मतलब बोर हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबा होता है। तो अभी हमने सिर्फ 4 राउंड जीतना है हमें इस मैच को जीतने के लिए, 1v1 प्रैंक कंप्लीट करने के लिए। तो चलो देखते क्या होता है गाइस, अगर आपको लगता है मैं जीत पाऊंगा एडम के साथ विदाउट एनी गन स्किन तो ओके वो नीचे, अच्छा वो 1v1 करना चाहता है मेरे से। ओके मैं इधर चलता हूँ, ओके एकदम फेयर गेम प्ले, कोई इधर से छुप कर वार नहीं, एकदम बीच से जाना है और फाइट करना है। उसने दिल पे ले लिया यार, मतलब एडम ने उसको मारा कैसे भाई भाई, निकलने तो दे, अबे तिलवाल तो लग नहीं रहा। ओके बहुत सही, 90 का उसको डैमेज पड़ चुका है, बहुत ही से एडम एडम चचा एकदम फायर पे। अब इसने तो सर्कल कर लिया, ओके सर्कल भी नहीं फोड़ेंगे हम, करने दो उसको हील करने दो, कोई टेंशन नहीं है। अभी आ गया आ गया आ गया आ गया, अभी तुलवा ले, अभी हेडशॉट, क्या हेडशॉट मारा भाई भाई, देखो पीके के बाद मेरा तुलवाल नहीं लगा, अगर तुलवाल लगता ना भाई, कभी कभी जैसे क्लिच होता है ना, मतलब जो नुबड़ापंथी होता है ना मेरे से, ग्लू ही नहीं लगता है, कभी ग्लू ही नहीं पड़ता है, तो उसकी वजह से मैं मर गया, बट कोई नहीं। ओके तो 1-1 स्कोर हो चुका है और मेरी गलती की वजह से मैं एक राउंड मर चुका हूँ, और वैसे भी एक प्रैंक है तो हमें बस जीतने से मतलब है, क्योंकि ये प्रैंक हमको एडम के साथ 1v1 में भूया करना है, अपने गिल्ड में किसी के साथ नहीं कर सकता था मैं। तो इस वक्त 2 ही ऑनलाइन दिख रहे थे, तो उसमें से पीके स्वामिया आ गई या आ गया पता नहीं, लड़का है कि लड़की है मेरे को पता नहीं। ओके किधर है वो, फेयर गेम प्ले करेंगे, एकदम बीच में जाकर सेंटर में फाइट करना है, बट वो दिख नहीं रहा मेरे को, आई थिंक इधर से, अच्छा उधर से आ गया, ओके बहुत सही। चलो अभी उसके पास चलते हैं, हमें छुपना नहीं है, एकदम जाकर फाइट ही करना है, क्योंकि हमें ये भूया करना है, साथ में हमें भूया करना था, हमें किल करना पड़ेगा उसको। अभी दोनों का वाइट क्लू वाला है इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं पूरा हम, यार मेरे को एडम से खेलने में इसका मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो लग रहा है, मेरे को बहुत ही स्लो मूवमेंट स्पीड लग रहा है, कोई भी कैरेक्टर स्किल नहीं है मेरे पास, एडम नीचे आलोक भी नहीं है मेरे पास, कोई क्लुआल क्यों नहीं लग रहा है मेरा, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। निकल निकल, वो निकला निकला भाई, बॉडी मार मार के ख़त्म कर दी उसको। ओके तो अभी आ चुके हम 3rd राउंड पे, मेरा 2 राउंड विक्ट्री हो चुका है, मुझे सिर्फ 2 राउंड विक्ट्री करना है और इसे करना है 3 राउंड, तो मैं एक राउंड लेट पे हूँ, तो बहुत ही सही बात है मेरे लिए विदाउट एनी गन स्किन। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और गाइज मैं एक चीज़ बता दूँ, गिव अवे कल होने वाला है गाइज, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो फटाफट से इसे शेयर कर दो, इस वीडियो को फटाफट शेयर करो कि गिव अवे कल होने वाला है 12 PM, मतलब हाँ 12 PM ही होता है ना, कल दोपहर 12 बजे एक कस्टम बनेगा, उसके हर 20 मिनट्स में तीन कस्टम बनेंगे, तो 12 और 12 20 12 40 और एक बजे 20 मिनट्स के गैप में जो कस्टम बनेगा, तो उसमें जो भी जीतेगा उससे मिलेगा एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज उसके अकाउंट में। ओ बच गया, ओके यहाँ पर है। सो गाइस फटाफट जाकर इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आपको
फिर बच के इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आपको मिलेगा या कस्टमर आईडी और पासवर्ड। ओके, उसने सर्कल कर लिया। हमारे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो फटाफट से मुझे जाकर इनको जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे आपको मिलेगा रूम आईडी और रूम पासवर्ड। ओके, बहुत सही, अब वो तो एलिमिनेट हो गया। भाई भाई, 3 राउंड में जीत गया, सिर्फ 1 राउंड बचा हुआ है। भाई भाई भाई, बहुत सही। ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं फाइव राउंड है। तो गाइस, हमें सिर्फ 1 राउंड जीतना है और उसे 3 राउंड जीतना है। क्या लगता है? अभी तो मुझे लग रहा है कि गेम हम भैया कर ही लेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो, बहुत सही। ओके, चलो अभी चलते हैं हम आगे, लास्ट राउंड एक ख़त्म करते हैं इस गेम प्ले को, क्योंकि गेम तो मैं ही जीतूंगा वैसे भी, विदाउट एनी गन स्किन और आइटम को लेकर। ओके, सामने में निकल, फिर से इसको फर्स्ट राउंड जैसा हेडशॉट मारने की कोशिश, हो नहीं रहा है। भाई, वो क्लुआल लगा रहा है, क्लुआल से निकल भी नहीं रहा है ना, एकदम नहीं निकल रहा है, और ऊपर से आइटम का इतना स्लो। ओ, बच गया, हेडशॉट, एक हेडशॉट लगा 44 का। ओके, ये रशी कर रहा है यार, अभी मरा क्यों नहीं? अभी मेरे ग्लोल, अभी क्या ही नोपड़ा, एकदम एडम की तरह खेल गया यहाँ पर। अभी भाई साहब, ये मैं अपनी गलती से मरा, पहला ग्लोल में कहाँ लगा रहा था, मेरे ग्लोल लग भी नहीं रहा था, ऊपर से मैं दौड़ रहा था, यार क्या हो गया मेरे साथ मुझे पता ही नहीं चला। बट कोई नहीं गाइस, आपको कल बहुत मज़ा आने लगा, कल दोपहर 12 बजे से हर 20 मिनट्स पे एक कस्टम बनेगा, 3 कस्टम बनेंगे, एक 12 बजे, एक 12:20 पे, एक 12:40 पे। हाँ, तो 12 मिनट्स के गैप में आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेरा आईडी रूम पासवर्ड और आईडी रूम का और पासवर्ड दोनों मिल जाएगा, तो इसलिए इंस्टाग्राम पर जाकर जल्दी से अभी फॉलो कर लो, क्योंकि उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करोगे तो स्टोरी नहीं देख पाओगे। ओके, अभी वो आने वाला है, चलो आ जाओ, अभी गेम ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा गेम जा रहा है। अभी मेरे ग्लोवाल क्यों नहीं लग रहा है, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रहा, मैं जितना भी मर रहा हूँ ना, सारे ग्लोवाल नहीं लगने की वजह से मर रहा हूँ मैं। देखो, ग्लोवाल ही नहीं लग रहा मेरा। ए लो, अभी इतना टाइम इसको मिल रहा है ना मेरे को मारने के लिए, मेरा ग्लोवाल ही नहीं लग रहा है। ओके, चलो बहुत सही, अभी चलते हैं हम MP5 लेकर। सो गाइज, 3-3 स्कोर हो चुका है, जो भी ये मैच जीतेगा, अगर मैं हारा तो मैं मतलब हार जाऊंगा यार, मेरा प्रैंक सक्सेसफुल नहीं होगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, तो इसीलिए हम ये गेम जीत रहे हैं किसी भी तरह से, ये राउंड हमें जीतना ही है, क्योंकि नहीं जीतेंगे तो गेम ही ख़त्म हो जाएगा, मैं हार जाऊंगा। ओके, किधर, इधर से निकलेगा डायरेक्ट हेडशॉट, अभी थोड़ा रेंज में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ना डिस्टेंस लेकर उसको हेडशॉट मारेंगे, क्योंकि MP5 मेरे पास एक भी हेडशॉट नहीं। अबे 3 हेडशॉट लिटरली यार, नहीं मरा वो, 3 हेडशॉट बैक टू बैक, एकदम 60-50-50 का, बहुत ही कम हेल्थ है इसका, लेकिन मैं इसको नहीं मारूंगा, एक चांस और देते हैं इसको। अभी इसको मैं चाह कर उसको जाकर फोड़ कर मार सकता हूँ उसको। ओ, निकला, हेडशॉट। भाई, क्या हेडशॉट मारा। सो गाइस, इसके साथ हमने कर लिया है गिल्ड से किसी के भी रैंडम के साथ 1v1, एकदम नूब प्रैंक की तरह पूरा। सो गाइस, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर करो, टिल देन प्रेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और गाइस, कल गिव अवे है 12 बजे, तो आ जाना इंस्टाग्राम पे, मिलते हैं शुरू में।